अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कि बिंदिया के साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्या हुआ अभय, तुम अचानक कमरे से बाहर क्यों आ गए? हाथ दिखाओ अपना, कितना खून बह रहा है अभय। बिंदिया, जैसा क्यों लग रहा है कि बिंदिया के साथ कुछ कुछ गलत हो रहा है। कम ऑन अभय, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिंदिया के साथ सिर्फ एहसान का रिश्ता है, दिल का नहीं, तो फिर ये क्या है? ये कनेक्शन कैसा है कि उसे वहां कुछ हुआ है और तुम्हें यहाँ फील हो रहा है? मैं भी ऐसा ही सोचता था मेघा, मुझे भी यही लगता था कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कोई बंधन नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तो डोरी है जो हम दोनों को बांधे हुई है। मेघा, आज ही मुझे ये बात समझ में आई, जरूर बिंदिया को कुछ हुआ है। अब है भैया, टीवी ऑन कीजिए ना, देखिए ना कहाँ बोल रहे हैं न्यूज वाले। अभी अचानक मिली खबर से पता चला है कि अंतरिम मुख्यमंत्री श्रीमती पुतला भारद्वाज का एक बम धमाके में निधन हो गया है। लल्ला, लल्ला, हमरे लिए रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता था और हमेशा रहेगा। लल्ला, लल्ला, हम क्या कह रहे हैं? लल्ला, हमरी आवाज सुनाई दे रही है ना? लल्ला, लल्ला, तेरी अम्मा, हम ठीक हो गए लल्ला। हम क्या कह रहे हैं? सुनाई दे रहा है ना? लल्ला, हमारी बात सुनो लल्ला। लल्ला, हम क्या कह रहे हैं? सुनाई दे रहा है कि नहीं? बोल ना लल्ला, बोल। भूल, वो चली गई। ऐसे ना कहते, चे छोड़ कर चली गई। नहीं लल्ला, ऐसे कैसे चली गई वो माँ?
मैंने माफी तक नहीं मांगी उससे। अरे जब तक वो इस घर में रही माँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ गलत किया है उसके साथ। और वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई। आज जब मैंने सोचा कि मैं बुरा सलूक को सुधारूंगा तो वो चली गई है माँ, चली गई है माँ। उम्र भर का कर्जा चढ़ाकर चली गई है माँ वो मेरे सर, मुझे चली गई माँ। ऐसे ना टूटते लल्ला, ऐसे ना टूटते। वैसे भी तो तेरी नजर में उसके साथ तेरा कोई रिश्ता ना था ना लता। लेकिन उसकी नजर में तो था ना माँ। कैसा खिलवाड़ किया है मैंने उसकी जिंदगी के साथ माँ। उसे मंगलसूत्र पहनाया लेकिन उस बंधन को नहीं समझा। मैं उसकी मांग भरी मां, लेकिन मैं उस सिंदूर का मतलब नहीं समझ पाया। अग्नि के साथ मेरे लिए मैंने उसके साथ था, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा आज तक नहीं दे पाया। मैंने आप ही से सीखा था ना मां कि कभी भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। आप इसे सीखा था मैंने। मैं ऐसा कैसे कर पाया मां? क्यों मैं जानबूझकर उसे तकलीफ पहुंचाता रहा? क्यों? अब बहुत देर हो गई है मां, चली गई है वो। अब मैं अपनी गलती को भी नहीं सुधार सकता हूं। बिंदिया, मेघा तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। कि क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अपने प्यार में कितने खुदगर्ज हो गए? बिंदिया के बारे में सोचा ही नहीं। अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपना ये, अपना वो, अरे ये सब के बीच में बिंदिया जैसे थी नहीं। शांत हो जाओ बेटा, शायद बिंदिया का इस दुनिया में इतना ही समय लिखा। ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसकी क्या चलती है बेटा। ये भगवान की मर्जी नहीं थी पापा, ये जरूर किसी की चाल थी। मैं आपके सर की कसम खाता हूं पापा, जिसने भी बिंदिया की जान ली है छोड़ूंगा। अबे मेरे भाई शांत हो जा, हम सब जानते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अपने आप को तू इस तरह से परेशान मत कर मेरे भाई। अभी तो माफ किया था, तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसकी मौत पे तो आंसू बहाए। काश मुझे एक मौका मिल जाए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा बिंदिया के लिए। बस एक मौका भोलेनाथ जी। इसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा आपसे। एक बार
एक बार बिंदिया मेरे सामने आ जा। अभय जी, माफ कर दो बिंदिया, प्लीज। तुम्हारा गुनहगार हूं, मैंने बहुत तकलीफें दी है तुम्हें, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारी अच्छाई को, मैं समझ ही नहीं पाया कि भले ही तुम गांव की हो, कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने का है बिंदिया। समझ ही नहीं पाया कि अपने साथ इतना बुरा करने वाले को जो माफ कर सके, उससे ज्यादा अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता। समझ ही नहीं पाया बिंदिया। आज जिस पल मैंने तुम्हें खो दिया था ना बिंदिया, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। लल्ला ऐसे ही बोलता रहा
तो शायद बिंदिया को बोल बैठेगा कि वो उससे प्यार करता है। कुछ करना होगा। उसे एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है बिंदिया। मुझे ये सब इसलिए ऐसा लग रहा है बिंदिया, मैं तुमसे लल्ला तुम्हें जिंदा देख करके ना जान में जान आ गई। वो तुम्हारी गाड़ी की विस्फोट की खबर टीवी पर तुम बच कैसे गई? लल्ला अब तू यहां खड़े खड़े ही इससे माफी मांगेगा? ले बिंदिया बहू ने माफ कर दिया है ना? अब इसे अंदर ले जा और ताकि ये चैन से बैठ सके। संजय जा बिंदिया बहू के लिए पानी लेकर आ। आओ अंदर आ। आराम से आपने सही कहा था बाऊजी, आना जाना सब भगवान के हाथों में। अच्छा हुआ हम आते हैं बोलकर निकले थे, जाते हैं बोलकर नहीं। शायद हमरे जाने का वक्त आया ही नहीं था, इसीलिए बच गए। हमने एक जरूरतमंद की मदद की थी रास्ते में। मालकिन, हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल दिखाने जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। आप लोग परेशान मत होइए, चलिए हमारे साथ चलिए। मैडम चल अभी फटाफट कंगन कढ़ा चेन बटुआ मोबाइल सब के सब निकाल। जब तक हमें होश आया तब तक कार में धमाका हो चुका था। उन दोनों लोगों की जान जा चुकी थी जिन्होंने हमें लूटा था। सही कहते हैं सब बाबूजी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जाने कौन हमरे लिए इतनी प्रार्थना कर रहा था। बस एक मौका भोलेनाथ जी, एक बार बिंदिया मेरे सामने आ जा। जो हमरी जान बच गई कभी कभी ऐसा कछु घट जाता है जिससे आपकी सोच भी बदल जाती है, समझ भी। हाँ जो भी हुआ उससे हमारी भी सोच और समझ दोनों पे फर्क पड़ा है। एक तरह से जिसने भी ये कांड किया है उसके बहुत आभारी है। अगर आज जो हुआ वो नहीं होता तो हमें कभी भी पता ही नहीं चलता कि अभय जी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम तो ये सोच रहे थे मेघा जी, हम अपने पति को छोड़कर चले जाएंगे तो वो आपके साथ खुश रहेंगे, पर
पर आज हमने देख लिया कि हमारे पति हमने जाने से खुश नहीं दुखी ही होंगे। आपका साथ उन्हें कभी भी खुशी नहीं देने वाला। इसलिए हम ये फैसला लेते हैं कि हम अपने पति को छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम ये सब केवल अपने पति की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पति ही खुश नहीं है हमारे जाने से, तो हम उनसे दूर काहे जाएं? इसलिए अब हम यहीं हैं, अपने पति के पास आखिरी सांस तक।